मिहिर की बातों से आदित्य का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने मिहिर को चेतावनी देते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। मिहिर ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद आदित्य ने अपने आदमियों को इशारा करके अपने पास बुलाकर ऑर्डर देते हुए कहा, बहुत बोल रहा है और साथ ही इसे बहुत कुछ जानना समझना भी है, तो ले जाओ इसे और अच्छी तरह से समझाओ कि आदित्य सिंह कौन है। इसे इतना मारना कि यह अपाहिज हो जाए, इसके हाथ पैर टूट जाए और इसके मुंह से आवाज भी ना निकल पाए। लेकिन ध्यान रहे, इसे जान से मत मारना, क्योंकि मैं इसे सारी जिंदगी तड़पते हुए ही देखना चाहता हूं। यह सुनकर आदित्य के आदमियों में से एक ने मिहिर को समझाते हुए कहा, देखो अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी से आदित्य सर से माफी मांग लो, वो भी उनके पैरों में गिरकर, नहीं तो फिर बाद में तुम बहुत पछताओगे और पछताने से भी फिर कोई फायदा नहीं होगा। उनसे दया की भीख मांगो तो हो सकता है उन्हें तुम पर दया आ जाए। आदित्य ने एक सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने लगा और थोड़ा सा आगे आकर सिगरेट का धुआं उसने जानबूझकर मिहिर के चेहरे पर उड़ाते हुए बोला, हां फिर बाद में तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बचने और माफी मांगने का एक मौका तक नहीं दिया। मिहिर ने भी पूरे एटीट्यूड में कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एक मौका, कर लो तुम्हें जो करना है, मैं भी देखता हूं आखिर क्या करते हो ऐसा। आदित्य भी शांत रहते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, और अगर तुम तीन बार रो रो कर और गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी मांगो और इसके साथ ही मुझे यकीन दिला दो कि आज के बाद तुम मेरी सारी बातें मानोगे और जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया है वो सब तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गया है, तो हो सकता है शायद तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें छोड़ दूं। मिहिर ने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगूंगा, मिस्टर आदित्य सिंह के हसीन सपने। आदित्य गुस्से से मिहिर को घूरते हुए बोला, और अपने सपने तो मैं पूरे करके ही रहूंगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ले जाओ इसे यहां से और खूब खातरदारी करो इसकी। मिहिर ने उस गोदाम के दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, ये निखिल पता नहीं कहां रह गया, अभी तक यहां पर आया नहीं है, मैंने निकलने से पहले ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था और सारी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में भी बोल दिया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक यहां आया क्यों नहीं। दूसरी तरफ मिहिर के विला में उसके साथ रह रहे उसके श्याम अंकल को भी इस बारे में पता चलता है कि मिहिर की जान खतरे में है, तो वो भी निखिल के पास ही पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि निखिल ने बिष्ट परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड के पूरे ग्रुप को मिहिर की सुरक्षा के लिए भेजना शुरू कर दिया है और उस ग्रुप के पूरे लोग एक एक करके वहां से बाहर निकलते जा रहे हैं और वो पूरी तरह से निखिल की बात मान रहे हैं और उसके ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। हाउसकीपर श्याम अंकल ने वहां पर आते हुए निखिल के सामने कहा, किसी घमंडी और बेवकूफ इंसान की इतनी हिम्मत कैसे कि उसने छोटे सरकार को किडनैप कर लिया, लगता है वो हमारे परिवार की पावर से पूरी तरह से अनजान है, इसलिए ही ऐसी मुसीबतें मोल ले रहा है। श्याम अंकल की बात का जवाब देते हुए निखिल ने कहा, उसके बारे में ठीक तरह से तो नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा है मुझे, और जब से मेरी छोटे सरकार से बात हुई है उनका ये मैसेज मुझे मिला है, तब से ही मैं निकलने की तैयारियों में लगा हुआ हूं, और जिसने भी ऐसी करने की हिम्मत की है वो तो बहुत पछताएगा। निखिल की बात सुनकर श्याम अंकल बोले, हां बिल्कुल जाइए और उसे बिष्ट परिवार की पावर दिखाइए। निखिल भी पूरे जोश में आते हुए बोला, हाँ वो तो उसे पता चल ही जाएगा, और मैं भी जब तक छोटे सरकार को सही सलामत वापस घर नहीं ले आता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे अभी निकलना होगा और आप यहां ध्यान रखिएगा। उसके बाद निखिल अपने बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप पूरा साथ में लेकर उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं और कार से ड्राइव करके कुछ ही देर में वो सब एक साथ ब्लैक मार्केट एरिया में पहुंच जाते हैं और मिहिर के मोबाइल में लगे जीपीएस के माध्यम से लोकेशन ट्रैक करके वो सब जल्द ही उस गोदाम तक भी पहुंच जाते हैं। उस गोदाम का दरवाजा खुला हुआ है और वहां अंदर से किसी के बोलने की एकदम साफ आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज सुनकर निखिल थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए अपने मन में बोला, जीपीएस पर लोकेशन तो यही है, इसका मतलब उस आदमी ने छोटे सरकार को यहां पर ही किडनैप करके रखा है। और फिर अपने साथ आए सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला,
चलो तुम लोग सब तरफ फैल जाओ और कुछ इस तरफ से आना और कुछ थोड़ी देर के बाद। निखिल के ऑर्डर पर सब ने कहा यस सर, और फिर उन सब ने वैसा ही किया। किस्मत से बहुत ज्यादा देर तो नहीं हुई और निखिल ने अपने गार्ड के साथ उस जगह के अंदर आते हुए पूरी जगह को घेर लिया और तेज आवाज में बोला, अगर जिंदा बचे रहना चाहते हो तो जो जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए। जैसे ही निखिल वहां पर पहुंचता है, उसे देखकर मिहिर ने राहत की सांस लेते हुए अपने मन में सोचा, चलो अच्छा हुआ, ये भी ठीक टाइम पर आ गए और अब इन गार्ड्स के साथ मिलकर अब हमें भी बचा लेंगे इस पागल सनकी आदित्य सिंह से। दूसरी तरफ आदित्य वहां अपने सामने निखिल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर निखिल यहां पर क्या कर रहा है। आदित्य निखिल को अच्छी तरह से पहचानता है क्योंकि निखिल और उसके पिता बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसलिए आदित्य को लग रहा है कि उसके पिता ने ही निखिल को यहां पर भेजा है उसे बचाने के लिए। आदित्य को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि निखिल यहां पर मिहिर को बचाने के लिए आया है और वो उसके लिए ही काम करता है। निखिल की तरफ देखते हुए आदित्य थोड़ी भारी आवाज में बोला, आप यहां पर आ गए? आज ऐसी हवा कैसे चल गई जो आप जैसी महान शख्सियत को यहां पर ले आई? निखिल ने एक नजर मिहिर पर डाली और फिर इत्मीनान से और धीमी आवाज में आदित्य की तरफ देखकर बोला, आदित्य सर, आप तो पहले ही इतने बड़े और महान आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि आपने मेरे कुछ लोगों को यहां पर पकड़ कर रखा हुआ है और इसलिए ही मुझे यहां पर आना पड़ा। ये बात सुनकर आदित्य का दिल बहुत ही तेजी से धड़क उठा और उसने अपने मन में सोचा, इनके लोग, क्या मतलब है उनका इस बात से? और इस मिहिर को ये कैसे जानते हैं? क्या सच में इसे बचाने के लिए यहां पर आए हैं? लेकिन फिर भी उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और एकदम नॉर्मल बना रहा और निखिल से जैसे शिकायत करते हुए बोला, यह वही आदमी है जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया है। इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि मुझे इसे यहां पर बांध कर रखना पड़ा। लेकिन आप यहां इसे बचाने क्यों आए हैं? क्या लगता है आपका यह? आदित्य की इन सब बातों पर निखिल ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपने साथ आए आदमियों को हवा में हाथ लहराकर इशारा किया और निखिल का इशारा मिलते ही उन लोगों ने सामने कुर्सियों में बंधे मिहिर, संध्या और सुंदर उन तीनों को खोल दिया। निखिल ने आदित्य की तरफ देखकर उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा, मेरे लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है आदित्य। तुमसे ज्यादा समझदारी की उम्मीद तो मुझे वैसे भी नहीं है, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि तुम दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करोगे। आदित्य कुछ भी समझ पाता इसके लिए शायद अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, क्योंकि मिहिर अब तक उन रस्सियों से आजाद हो गया है और सीधा खड़ा होकर अपने हाथ पैर खींचकर अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि इतनी देर से वो यहां पर एक चेयर से बंधा हुआ है जिससे वो लगातार टॉर्चर हो रहा था। मिहिर कुछ कदम आदित्य की तरफ बढ़ता हुआ बोला, वैसे तुम्हें अब तक समझ में तो आ ही गया होगा कि मेरी पावर और औकात क्या है, क्योंकि इतने बेवकूफ तो तुम मुझे लगते नहीं हो। आदित्य अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन मिहिर कोई आम शख्स नहीं है इतना उसे समझ में आ गया है और इसलिए वो अब मदद के लिए निखिल की तरफ ही देख रहा है। निखिल ने जब आदित्य को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो साफ साफ बोला, अपने लिए किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मुझसे तो बिल्कुल मत करना आदित्य, क्योंकि जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मिहिर ने निखिल की बात सुनकर आदित्य के करीब बढ़ते हुए कहा, निखिल की बात याद रखना, गलती की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक सबक ना मिले दिमाग सही ठिकाने पर नहीं आता। आदित्य उसी तरह जलती निगाहों से मिहिर की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी पावर, तुम्हारी रेपुटेशन जो भी हो, लेकिन मेरे सामने जितना मुंह खोला है लगता है तुम्हें अपनी जबान कटने का भी डर नहीं है। अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मिहिर ने कहा, डरोगे तो अब तुम बच्चे, बस रुको और देखते जाओ क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। और इतना कहकर मिहिर ने निखिल के साथ आए लोगों को एक इशारा किया और मिहिर का इशारा मिलते ही उन सभी ट्रेंड बॉडीगार्ड्स ने आदित्य के सभी लोगों को अगले ही पल पकड़कर अपनी हिरासत में ले लिया और आदित्य के लोग अब उनकी मर्जी के बिना अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। इस तरह मिहिर को अचानक पावर में आते देखकर सुंदर का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो तो पहले से ही जानता था कि मिहिर उनकी मदद करने जरूर आएगा। आदित्य इतना स्टूपिड तो नहीं है,
उसे अब तक तो साफ समझ में आ ही गया है कि पूरी सिचुएशन अब उसके खिलाफ हो गई है। और तभी दो लोग आदित्य पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मिहिर ने अपने हाथ से इशारा करके उन दोनों को बीच में ही रोक दिया और खुद आगे बढ़कर आदित्य की तरफ आया। गार्ड्स को रोककर मिहिर ने खुद ही आदित्य के पेट पर लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया, और उसके बाद उसे लात और घूंसे मारता ही जा रहा है। मिहिर साफ तौर पर आदित्य पर भारी पड़ रहा है, लेकिन आदित्य भी इतनी आसानी से अपनी हार एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है, इसलिए मिहिर से पिटने के बाद भी अपने होठों के किनारे से निकलते खून को अपने एक हाथ से पोंछते हुए मुस्कुराया और वो मिहिर की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे तो अभी भी डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर मिहिर जरा भी मायूस नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान है, और उसी तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मिहिर हल्का सा झुका और उसने आदित्य के बाल अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए और फिर वहां जमीन पर पड़ा हुआ चाकू अपने हाथ में उठा लिया और चाकू का पिछला हिस्सा आदित्य के चेहरे पर लगाते हुए उसने आदित्य का चेहरा ऊपर उठाया, क्योंकि आदित्य उस पिटाई के बाद सीधा मुंह के बल ही फर्श पर गिर पड़ा है और उसे अभी तक संभल कर उठने का कोई मौका नहीं मिल पाया है। आदित्य का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए मिहिर ने कहा, अरे ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जितना तुमने मुझे और मेरे लोगों को टॉर्चर किया है और जिस तरह से ये सब कुछ प्लान करके पहले उन्हें किडनैप किया और फिर मुझे यहां बुलाया, सच में मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मैं भी तुम्हारी तरह अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दूं। बोलो। आदित्य लगातार मिहिर की आंखों में देखता जा रहा है। तो क्या होगा अब कहानी में आगे, क्या करेगा अब मिहिर आदित्य के साथ, उससे बदला लेगा या फिर उसे सिर्फ धमकी देकर जाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।